अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। खुसूसी मेहमान आए हैं, हमारे खास दोस्त आए हैं, इसमें एक हमारे श्याम भाई हैं, एक हमारे जगदीश भाई हैं जो कि कैमरा पकड़े हुए हैं, और साइड में बैठे हुए हैं हमारे जोगिंदर भाई। तो सबसे पहले मुलाकात करेंगे आप अपने श्याम भाई से। तो श्याम भाई, आप चरखी दादरी से आएँ, हरियाणा से काफ़ी दूर से आएँ, तो क्या पर्पज़ था आने का? मोहब्बत में खिंचा है या कोई काम था या प्लान कर रखा था? क्योंकि आपकी कॉल तो अचानक मेरे पास आई कि आसिम भाई हम निकल चुके हैं और आपके घर पहुंच रहे हैं। वो इत्तेफाक था कि मैं आपको आज अलीगढ़ में मिल गया, क्योंकि आज मेरा बाहर जाने का प्लान था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, तो आपसे इस बहाने मुलाकात हो गई। तो श्याम भाई, कैसा लगा आपको यहाँ आके, और कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? आसिम सर, बस आपसे मुलाकात करनी थी, और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में आपसे मुलाकात, तो वैसे भी सेमिनार वगैरह के थ्रू होती रहती है, बट आपसे एक पर्सनली मिलना था। चलिए, शुक्रिया। और इसी पर्सनली, कोई बर्ड्स वर्ड्स का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपसे मिलना था बस। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आइए भाई, जोगिंदर भाई, जो कि भाई काफ़ी ये भी लंबा सफ़र करके आए हैं, और श्याम भाई के पड़ोसी हैं। आपको हॉबी है बर्ड्स की, कौन कौन से बर्ड्स हैं अभी आपके पास? मेरे पास है भैया लव बर्ड, कॉकटेल और बजीज। हाँ, यहाँ करके लव बर्ड कॉकटेल बजीज है मेरे पास भैया। बिल्कुल फ्रेंकली बोलो, ये थोड़े कतराते हैं। अच्छा, कतराते हैं। तो भाई, थोड़े से हमारे हेजिटेट फील कर रहे हैं हमारे जोगिंदर भाई, ये कह रहे हैं कि कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन एक टाइम हम इनसे बहुत अच्छे से बुलवाएंगे, अच्छी से स्पीच देंगे ये। तो ये भाई को बहुत टाइम हो गया कैमरा पकड़े हुए, तो भाई आप ज़रा कैमरा पकड़ लीजिए, थोड़ा इनका भी इंट्रो हो जाए। ये हमारे जगदीश भाई, तो जगदीश भाई आप कहाँ से हैं और आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन से शौक करते हैं आप? नहीं, इनके पास में बर्ड्स नहीं है, हम तो पार्टनर में हैं। पार्टनर है? हाँ, भिवानी हरियाणा, यही पक्षी पालने का। अच्छा, पक्षियों का काम। हाँ, वेरी गुड। शौक रखते हैं, अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा होने चाहिए भाई, हॉबी बहुत ज़रूरी है। और क्या, पक्षियों के लिए इतनी दूर चल के आए हैं। हाँ, देखने आए हैं, हम भी लेके आए हैं, आपको देख के सीखेंगे, कुछ तो मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है, एक दूसरे से सब लोग सीखते हैं। अभी दोस्तों, और बात करी जाए बर्ड हॉबी की, और बर्ड को किस तरीके से रखना है, म्यूटेशन पे वर्क करना है, इसमें अभी तक कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ है। मैं ये बोलूँगा, इसमें परफेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है। कोई भी बंदा, आप ये नहीं कह सकते कि फलाना बंदा परफेक्ट है बर्ड्स में, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी लाइन है जिसमें हर दिन आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। और बड़े बड़े, एक कहते हैं ना कैलकुलेटर, जो कि म्यूटेशन पर आजकल कैलकुलेटर बने हुए हैं, वो तक फेल हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिकल करने पर आते हैं किसी म्यूटेशन को बनाने के लिए। तो दोस्तों चलें, आपको अगली मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सलमान भाई के घर पर, जो सलमान भाई का सिल्वर प्ले बटन है वो आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें, ये श्याम भाई इसको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है आज के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सलमान भाई, अभी आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है, आने वाले वक्त में इनको गोल्डन प्ले बटन भी मिले। तो सलमान भाई ऐसे ही काम करते रहें, और आप भी देखें, सलमान भाई ने हमारी मेहमान नवाजी के लिए ये सारा बंदोबस्त कर लिया है। तो श्याम भाई, बिना देर करे बस इस पे तो क्या कहना चाहेंगे श्याम भाई? थैंक यू सो मच आसिम जी, और सलमान सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन्होंने काफ़ी अच्छी खुशामद की है मेरी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने उस्ताद जी को ये बटन देते हुए, क्योंकि ये एक हमारा सपना था, और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये इस सिल्वर की जगह गोल्डन हो, तो बस ये दुआ करते हैं। और आप बताइए सलमान सर जी। सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान, और आज मैं क्या बताऊं कि कितनी खुशी हुई है मुझे आज कि मेरे श्याम भाई, मेरे बड़े भाई, और इतनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि खुशी इस बात की, देखिए मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला, जब ये मेरे पास प्ले बटन मिला था, इतनी उस वक्त खुशी नहीं मिली थी मुझे जो आज मुझे खुशी मिली है कि श्याम भाई चरखी दादरी हरियाणा से मेरे पास आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि देखिए, आसिम पठान, आसिम भाई हमारे साथ हमारे घर पर आए हैं और श्याम भाई को लेकर आए हैं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं है कि हमारे पास श्याम भाई आए और आसिम भाई आए, और मुझे मेहमान नवाजी का इन्होंने मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे आते रहें, हमारे आपस में मोहब्बत मिलती रहे और ऐसी मोहब्बत बनी रहे हमारी आपस में। और ये बर्ड तो एक बहाना है, शौक है, बस आपस में जो हम लोगों की मोहब्बत है वो बरकरार रहे, बस मैं यही दुआ करता हूँ। और आप लोग भी जो है, बस व्यूवर्स हमें ऐसे ही चाहते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।